बच्चों, पिछले पार्ट में हमने जान लिया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है जो क्या है शासन के रूप में लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक शासन के दो भाग हैं, जिसमें क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो सीधा जनता ही फैसला करती है अपने हित हेतु अपने समाज के कार्य हेतु, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है जनता सीधा फैसला नहीं करती, वो क्या करती है अपने चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर वो फैसला करने का कार्यभार छोड़ देती है, जो जनता के हित हेतु कार्य किया जाए उसके द्वारा ऐसी आशा की जाती है ऐसी उम्मीद की जाती है और उस प्रतिनिधि को क्या है जनता अपनी अच्छी इच्छा अनुसार चुनती है। तो यह क्या है दो भाग है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आधुनिक युग में क्या है प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो मुख्य रूप प्रचलित है, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, इसके भी क्या है दो रूप प्रचलित हैं, जिसके अनुसार पहला तो है संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। दो भाग है इसके, अब वर्तमान समय में प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप देखने को मिलते हैं, इसको क्या है उदाहरण की तरह हिसाब से समझ सकते हैं अपने उदाहरण के आधार पर लेते जाए तो क्या है ब्रिटेन के अंदर या इंग्लैंड के अंदर जो लोकतंत्र है वो संसदीय लोकतंत्र है, वहाँ के सारे जरूरी फैसले जो हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं संसदीय लोकतंत्र के द्वारा लिए जाते हैं, और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या है अमेरिका के अंदर है जिसमें राष्ट्रपति चुना जाता है जो क्या है संसद से भी ऊपर होता है। इन दोनों का सामान्य रूप क्या है भारत में योग में लिया जाता है, इन दोनों का सामान्य रूप इन दोनों लोकतंत्र का सामान्य रूप क्या है भारत में योग में लिया जाता है। तो क्या है टॉपिक था अपना राजनीतिक लोकतंत्र, जिसके चार नाम थे उदारवादी, व्यक्तिवादी, पूंजीवादी और पश्चिमी लोकतंत्र, जिसमें उदारवादी विचारधारा के अनुसार क्या है दो रूप बताए गए राजनीतिक लोकतंत्र के, राज्य के रूप में लोकतंत्र, शासन के रूप में लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, अब क्या है इस यह तो क्या है सैद्धांतिक रूप है और यह है व्यवहारिक रूप, तो व्यवहारिक रूप के क्या हैं दो भाग और हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के फिर दो भाग हैं संसदीय और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ठीक है, यहाँ तक अपना कंसेप्ट क्लियर होता है, नेक्स्ट चलते हैं इसके आधारभूत मान्यताएं क्या क्या हैं उसके बारे में। तो आधारभूत मान्यताएं इस लोकतंत्र के बारे में राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में आधारभूत मान्यताएं यह होंगी कि लोकतंत्र में उदारवादी संविधानवाद में विश्वास यह क्या है पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता के अनुसार क्या होगा प्रभुसत्ता जनता में निवासित। तीसरी व्यवहारिक रूप क्या है लोकतांत्रिक शासन है, व्यवहारिक रूप क्या है लोकतांत्रिक शासन
लोकतांत्रिक शासन और सैद्धांतिक रूप क्या है, राज्य के रूप में लोकतंत्र या लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक राज्य। तो देखिए ये तीन मान्यताएं क्या है, इसकी विशेष मान्यताएं हैं, और एक चौथी मान्यता इसकी क्या होगी कि जनता सरकार को नियुक्त करती है, नियंत्रण नियुक्त करना, नियंत्रण करना और हटाना, पद से च्युत करना क्या है, सरकार के हर एक फैसले के बारे में निर्णय या विचार विमर्श करने का अधिकार किसके पास है, जनता के पास है। ये सारी क्या है, मान्यताएं हैं किसके लिए, राजनीतिक लोकतंत्र के लिए आधारभूत मान्यताएं हैं, ये चार हैं। अगर पूछा जाए कि राजनीतिक लोकतंत्र क्या है, तो एक विस्तृत विषय है यह, जिसके कई भाग हैं, जिसमें लोकतांत्रिक शासन या लोकतांत्रिक राज्य व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप है, जो उसके बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के भी दो भाग मॉडर्न टाइम में क्या है, दो भाग आने लगे हैं इसके, जो अपने है आज के देशों में अपने देखते हैं इसके दो भागों के बारे में, कि अलग अलग प्रकार की सत्ता का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं सामाजिक लोकतंत्र के ऊपर। यह पहला राजनीतिक लोकतंत्र क्या है, विस्तृत है, इसको क्या है अलग अलग तरीके से आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट जो है सामाजिक लोकतंत्र, बिल्कुल ही आसान नेक्स्ट जो पॉइंट्स रहेंगे अपने बिल्कुल सिंपल में। अगर राजनीतिक लोकतंत्र समझ में आता है तो वह बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है सामाजिक लोकतंत्र, देखिए सामाजिक लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य है सामाजिक समता की भावना, सामाजिक लोकतंत्र, इसका सीधा अर्थ है सामाजिक समता या समानता की भावना। इसका लक्ष्य वह यही है, सामाजिक लोकतंत्र का लक्ष्य यही है। अब हमने शुरुआत में जब बात की थी तो हमने बात की थी कि लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, जनता के पास शक्ति होती है, ठीक है। अब वो तो था राजनीतिक लोकतंत्र, इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि जो सत्ता है उसकी संभालने की जो शक्ति है वो किस किस के पास रहती है, समाज में कौन सा ऐसा हिस्सा होगा जिसके पास वह शक्ति मौजूद होनी चाहिए। तो इसके अंदर देखिए सामाजिक लोकतंत्र के द्वारा यह है डिफाइन किया जा रहा है कि लोकतंत्र के अंदर सामाजिक समानता की भावना होनी चाहिए, वही क्या होगा सामाजिक लोकतंत्र होगा। और लोकतंत्र का आदर्श रूप भी क्या है, इसके अंदर समाहित होता है कि सभी को क्या है समान रूप से बराबर रूप से अधिकार मिले, प्रत्येक कार्य करने का उसको, प्रत्येक भाग को समाज के प्रत्येक वर्ग को क्या है ऐसा अधिकार होना चाहिए कि वह सरकार के निर्णयों पर अपना नियंत्रण रख सके। तो देखिए इसके अनुसार क्या है, संक्षेप में या शॉर्ट में अपने बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या होगा, नस्ल रंग वर्ण, वर्ण का मतलब जाति या समाज, नस्ल रंग वर्ण जाति धर्म धन जन्म आदि के आधार पर, के आधार पर सभी को, आदि के आधार पर सभी या किसी भी वर्ग या व्यक्ति से भेदभाव न किया जाए, वह क्या है सामाजिक लोकतंत्र है,
यानी समाज के अंदर लोकतंत्र की स्थापना का अर्थ क्या होगा कि उनके साथ नस्ल रंग वर्ण जाति धर्म धन जन्म आदि किसी भी भाग के आधार पर उनके साथ भेदभाव न हो बल्कि क्या हो सभी को समान अवसर अधिकार प्राप्त हो। वह क्या होगा सामाजिक लोकतंत्र होगा। यानी एक तो पहली बात ये कि किसी भी आधार पर कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए और दूसरा सभी को क्या है समान अवसर और अधिकार दिए जाए। यह क्या है सामाजिक लोकतंत्र है। इसके अलावा अर्नशा के अनुसार उन्होंने भी क्या है सामाजिक लोकतंत्र के बारे में बताया है कि लोकतांत्रिक समाज वह होगा जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। यानी उन्होंने किस बात पे बल दिया है समानता के सिद्धांत या विचार पर आधारित समाज को समाज में ही सामाजिक लोकतंत्र हो सकता है। सामाजिक लोकतंत्र हो सकता है। हमेशा के अनुसार यह है जिस समाज में समानता का सिद्धांत हो या विचार हो या उस पर आधारित जो समाज हो उसी के अंदर क्या है सामाजिक लोकतंत्र रह सकता है या हो सकता है। और इसमें इसकी दो बातें अवश्य होनी चाहिए सामाजिक लोकतंत्र में जो मैंने पहले बताई है कि किसी को भी धर्म जाति नस्ल भाषा लिंग धन आदि के आधार पर विशेष अधिकार या विभेद नहीं किया जाए और दूसरा सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान हो समान अधिकार प्रदान हो उसी के अंदर क्या होगा सामाजिक लोकतंत्र समाहित होगा। तो सामाजिक लोकतंत्र क्या है इतना सिंपल सा विषय है या भाग है इस पाठ का जो क्या है पूरा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र क्या है मार्क्सवाद के द्वारा प्रचलित एक अवधारणा है। आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा का प्रचलन किसने किया था मार्क्सवादी लोगों ने क्या है आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा का विचार किया था। अर्थव्यवस्था के एक रूप एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को क्या है आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। जैसे राज्य के एक रूप के वो क्या है राज्य के शासन के एक प्रकार के रूप को लोकतांत्रिक राज्य कहते हैं या शासन के एक प्रकार के रूप को क्या है लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में क्या है आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों या समाजवादियों ने प्रस्तुत किया था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की गई थी जो मार्क्सवादी या समाजवादी होंगे। आर्थिक लोकतंत्र में सर्वथा भिन्न से विपरीत यानी इसके दो भाग हैं एक तो मार्क्सवादी द्वारा किया गया और दूसरा आधुनिक विचारकों द्वारा बताया गया आर्थिक लोकतंत्र। इसके कहने का मतलब है मार्क्सवादी लोगों ने क्या है वो आर्थिक लोकतंत्र की एक परिभाषा बताई या आर्थिक लोकतंत्र को व्यक्त किया इस प्रकार से कि सभी के पास समान साधन होने चाहिए यानी सभी को क्या है बराबर रूप से धन या जो देश का किसी प्रकार का हिस्सा है वो साधन जितने भी हैं संसाधन वो सभी के पास समान रूप से होने चाहिए। जो प्राकृतिक रूप से भी यह है वो सिवन नहीं है ठीक है। प्रत्येक राज्य में भी क्या है समान रूप से संसाधन नहीं होते प्रकृति ने सभी को समान रूप से संसाधन नहीं दिए तो क्या है हम जो जनता है हम
मानव है वो किस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इनकी अवधारणा के अनुसार क्या था कि सभी के पास समान साधन होने चाहिए या सभी को समान साधन देने चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति लोकतांत्रिक रूप से क्या हो, समान हो। यह क्या है विचारधारा मार्क्सवादियों के द्वारा थी, लेकिन यह क्या है ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई क्योंकि यह सिर्फ मार्क्सवादी या समाजवादी लोगों तक ही सीमित रह गई। नेक्स्ट जो विचारधारा थी वो है आधुनिक विचारकों के द्वारा या जो बाकी लोग थे जिन्होंने 19वीं और 20वीं सदी में व्यक्तिवादी थे, पूंजीवादी थे या कह सकते हैं उदारवादी लोग थे, उनकी परिभाषा के अनुसार क्या है सभी को आर्थिक उन्नति के लिए योग्यता अनुसार समान अवसर व अधिकार होने चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का वो आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी सभी को कह रहे योग्यता अनुसार सम्मान अवसर दिए जाए और क्या है अवसर मिले उनको अधिकार मिले ताकि वो अपनी आर्थिक उन्नति कर सकें। इस प्रकार की विचारधारा जो थी वो आधुनिक विचारकों द्वारा या उदारवादी विचारकों द्वारा प्रचलित थी आर्थिक लोकतंत्र के लिए। तो इस प्रकार से मार्क्सवादी और आधुनिक विचारकों के द्वारा अलग अलग रूप से क्या है लोकतंत्र आर्थिक लोकतंत्र के बारे में व्याख्या की गई है, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित क्या है आधुनिक विचारकों द्वारा या उदारवादी विचारकों द्वारा प्रचलित व्याख्या है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है वो है नैतिक लोकतंत्र। सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से सभी लोकतंत्रों का प्रजनन करता नैतिक लोकतंत्र। सभी लोकतंत्र का प्रजननदाता या सभी जो लोकतंत्र है उनके अंदर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को एक दर्शन का होता है, एक प्रकार से विचार को प्रदान करने वाला लोकतंत्र कौन सा है नैतिक लोकतंत्र है, उसको नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र के प्रति इष्ट नैतिक दृष्टिकोण को ही क्या है लोकतंत्र नैतिक लोकतंत्र कहते हैं, यानी नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में क्या है इसको स्वीकार किया जाता है आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। यानी इस लोकतंत्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह क्या करे, जो प्रत्येक भाग है लोकतंत्र का चाहे वो आर्थिक रूप हो चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, उसमें क्या है समानता का दृष्टिकोण रखे, सभी के को बराबर समझने का क्या है कार्य करे। यह चीज़ें जो है वो शुरू होती है नैतिक लोकतंत्र के द्वारा। और जैसा कि बताया था कि लोकतंत्र की शुरुआत जो है वो 1789 में फ्रांस की क्रांति के द्वारा ही मानी जाती है, उसी प्रकार से क्या है नैतिक लोकतंत्र की शुरुआत भी नैतिक लोकतंत्र की शुरुआत लोकतंत्र की शुरुआत 1789
क्रांति से होती है, फ्रांसीसी क्रांति से होती है और उसी के विचारों के आधार पर क्या है इसको बताया जाता है, जिसके तीन मुख्य विचार थे क्या, समानता, स्वतंत्रता क्या है प्रत्येक लोकतंत्र के आधार हैं और उसी प्रकार से इन तीनों के मिश्रण से ही क्या है नैतिक लोकतंत्र का निर्माण होता है। इन तीनों के मिश्रण को ही नैतिक लोकतंत्र कहते हैं या इन तीनों विचारों को की अवधारणा को मानना ही क्या है नैतिक लोकतंत्र है। और उसके साथ अलावा ये तीनों क्या है प्रत्येक लोकतंत्र के क्या है आधार समझे जाते हैं, क्योंकि इसके बिना व्यक्तियों में समानता नहीं होगी। ठीक है, जो बंधुत्व बात है इसकी, सभी को भाईचारे से रहना चाहिए, इसके बिना क्या है समानता नहीं होगी और समानता के बिना क्या स्वतंत्रता का कोई उद्देश्य रह नहीं जाता। समानता के बिना स्वतंत्रता किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य में क्या है उपयोगी नहीं होती है। तो आज के पार्ट में हमने दो भाग है जो हमने फर्स्ट और सेकंड उसके अंदर भाग विभिन्न रूप राजनीतिक लोकतंत्र और उसके विभिन्न रूपों को समझा, या चाहे लोकतांत्रिक शासन हो और चाहे लोकतांत्रिक राज्य हो, उसके भी दो अलग अलग भाग जो थे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच जो दो भाग थे जिसमें एक तो संसदीय लोकतंत्र और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट सामाजिक लोकतंत्र क्या था जिसमें समानता या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना, तो आर्थिक लोकतंत्र यानी सभी को समान अवसर प्रदान करना आर्थिक उन्नति हेतु, और नैतिक लोकतंत्र जिसमें स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आधार पर लोग नैतिक लोकतंत्र के दृष्टिकोण को बनाए रखना। ये सारी चीज़ें हमने इन दो पार्ट्स में पूरी की है। बाकी के अध्याय के बारे में क्या है अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या है इसको याद कीजिए, पढ़िए। धन्यवाद।